मंजिले उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। स्वागत है आपके अपने स्मार्ट पीसीएम क्लासेस में। दोस्तों आज बीटीसी थर्ड सेमेस्टर की गणित लेके आया हूँ। समुच्चय का पार्ट है, समुच्चय का पार्ट वन ये है। आपके इस समुच्चय को दो पार्ट में बनाएंगे, समुच्चय पार्ट वन, समुच्चय पार्ट टू। इसका अगला वीडियो इसके अगले दिन मिल जाएगा, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। जी दोस्तों, समुच्चय एक बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें टोटल थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। अगर थ्योरी आपके समझ में आ जाएगी, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो समुच्चय का हर सवाल आपके 30 सेकंड का होगा। जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे सवाल 30 सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा और तुरंत आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं समुच्चय क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे समुच्चय होता क्या है। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। क्या है? संग्रह है। देखिए यहां पे सुपरिभाषित का मतलब है कि वो एक परिभाषा के अंदर आता हो, ठीक है। जितने भी हैं, जैसे यहां पे कह दिया जाए उदाहरण के लिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो अब इसमें क्या है, a बराबर लिखेंगे मंझले ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 5 तक जितना भी लिखना हो लिख लो, बाकी डैश डैश कर लो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक संख्या में जोड़ेंगे तो अगले संख्या मिलेगी। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है प्राकृतिक, एक ये विशेष गुण है, इसमें ये जितने लिखे 1, 2, 3, 4 इसे अवयव बोलते हैं। ये जो अवयव है एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब एक विशेष गुण से क्या है, परिभाषित हो रहे हैं, इसीलिए इसके संग्रह को क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। अगर कोई समूह एक विशेष गुण से डिनोट नहीं हो रहा है तो उसे हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं। जैसे यहीं पे कह दीजिएगा क्लास में या कक्षा में बच्चों की लंबाइयों का समुच्चय, तो भाई लंबाइयों का कोई निश्चित क्रम तो है नहीं, उसमें छोटे बड़े ऊपर नीचे ऐसे होते हैं, तो उनमें कोई एक विशेष गुण नहीं है, तो इसे हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, समुच्चय को हम जो होता है समुच्चय को हम बड़े अक्षरों में डिनोट करते हैं, संकेत उसका क्या होता है, बड़े अक्षर में, हमेशा जो समुच्चय का संकेत होता है वो हमेशा बड़े अक्षर में होता है, वो भी ए बी सी यानी जेड तक के कोई भी अक्षर से हम उसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। और साथ में जो आपका अवयव होगा बीच में लाइट चली गई थी दोस्तों, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग भी, 1-2 सेकंड के लिए वीडियो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद ये जो है अंदर के होते हैं सदस्य, इन्हें अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव। ये समुच्चय के क्या है, अवयव हैं, और इनको हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं, वो भी इन्हें हमेशा मंझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। किसमें लिखते हैं? मंझले ब्रैकेट के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में दर्शाते हैं, और इनके जो पूरा समूह होता है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है। तो ये रहा आपका क्या, समुच्चय, ठीक है। अगर यहीं पे कह दिया जाए, जैसे लिखें कि 2 एप्साइलन ए, ये भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब है 2 ए का अवयव है, यानी 2 समुच्चय ए का अवयव है,
अवयव है, अवयव कह सकते हैं या फिर आप सदस्य भी कह सकते हैं, अवयव कहें या तो सदस्य कहें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ इसके बाद हम पढ़ते हैं समुच्चयों के प्रकार आता है। तो समुच्चय के प्रकार में एक बार इसको फिर से देख लीजिए, वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या है, समुच्चय है। उदाहरण में प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिया तो इसे हम कैपिटल एस, जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है उसे एन से दर्शाते, हमने एन लिख दिया था, यहाँ एन लिखेंगे, ठीक है। तो n बराबर क्या होगा, ये मंझले ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 ये ऐसे लिखेंगे। संकेत हमेशा a और b कैपिटल लेटर से किसी अन्य का भी लिख सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से लिखा जाता है तो वो n ही लिखा जाएगा, ठीक है। अवयव को जो अंदर होते हैं, अगर कोई अवयव अंग्रेजी से दर्शाया जा रहा है तो उसे हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, ठीक है। और जो ये स्मॉल लेटर में होते हैं या मंझले ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम समुच्चय के सदस्य या अवयव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे समुच्चय को दर्शाते कहते हैं, समुच्चय के जो होते हैं उन्हें दर्शाने की विधि क्या होती है, ठीक है। तो समुच्चय को जो निरूपण है वो दो विधियों की जाती है, एक तो होता है गुण विधि, दूसरा होता है रोस्टर विधि या फिर कह सकते हैं सारणी विधि। तो सारणी विधि भी बिल्कुल आसान है, रोस्टर विधि भी बिल्कुल आसान है, तो हम दोनों को एक ही साथ बता देते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सारणी, सारणी विधि, ठीक है, या फिर रोस्टर विधि, रोस्टर विधि, ठीक है, इसी को सूची विधि भी कह सकते हैं। और यहीं पे हम गुण विधि भी पढ़ेंगे, गुण विधि एक ही उदाहरण में, ठीक है। तो आइए देख लेते, जैसे लिख दिया जाए यहाँ पे अंग्रेजी, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय, तो स्वरों का समुच्चय है, इसे हम जब सारणी विधि में लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर है उससे हम किसी भी एक अक्षर से मान लेते हैं, उसे कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है। अब जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होता है, तो ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू और मंझला ब्रैकेट बंद, तो ये तो आपका क्या है, सारणी विधि है। यानी अंग्रेजी किसी एक अक्षर को बराबर करके मंझले ब्रैकेट के अंदर उसके स्वरों को हम लिख देंगे कामा लगा करके, यही हमारा क्या हो जाएगा, सारणी विधि। गुण विधि में लिखना है ये तो आपका ए तो लिखना है, अब यहां लिखेंगे एक्स सच दैट, ऐसा है कि एक्स, एक्स सच दैट एक्स, ये तो हमेशा कोई भी लिखना है इसको जरूर आप लिखेंगे। इसके बाद कामा करके इसी गुणों को लिख देंगे, तो गुणों को कैसा लिखना है, एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों में से एक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों में से एक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुण विधि हो जाएगा। यानी गुण आपका जो समुच्चय दिया होगा वहीं पे दिया होगा, वहीं से निकाल लेना। यहां मेन पर्पस क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला होता, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर दिया है, स्वर और स्वर दिया जिसे हम वावेल कहते हैं, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन भी होता तो अलग होगा, तो स्वर अलग है तो स्वरों है, तो इसलिए हमने इसे स्वर से दर्शा दिया है, ठीक है। इसके बाद आज हमारा आ जाता अगला टॉपिक होता है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, समुच्चय कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है जिसका कोई अवयव ना हो, क्या रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय जिसका कोई भी अवयव ना हो, ऐसा कोई समूह जिसका कोई अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय से फाइल अथवा हम केवल मंझले ब्रैकेट से दर्शाते हैं, इसी से हम इसे क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, इसी से हम इसको क्या कर देते हैं, दर्शाया जाता है।
अब जैसे उदाहरण में कह दिया जाए कि 5 व 6 के बीच धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय। तो आप बताइएगा 5 व 6 के बीच कोई धनात्मक पूर्णांक है? कोई नहीं है। तो मतलब ये कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय हो गया। कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या तो इसको केवल 5 से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा एकर समुच्चय। एकर समुच्चय ही अर्थ से ही समझ में आ रहा है। एकल का मतलब एक होना चाहिए, यानी जिसका केवल एक अवयव हो। यहीं पे उसी उदाहरण में कह दूं कि कितना 4 व 5 के बीच धनात्मक पूर्णांक, तो 4 व 5 के बीच केवल क्या है? 4 व 6 के बीच कितना? एक ही पूर्णांक है। तो ये कैसा होगा? एकल समुच्चय होगा। और इसको हम लास्ट बीच में क्या लिखेंगे? 5। तो ये हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा? एकल समुच्चय का। एकल समुच्चय के बाद आपका था परिमित समुच्चय होता है। परिमित का मतलब होता है जिसकी संख्या सीमित हो, या सीमित समुच्चय भी कह सकते हैं इसे। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, तो स्वर ए से जेड होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षर क्या है? आपके फिक्स है, ये तो बढ़ेंगे नहीं। तो ये आपका कैसा समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद अपरिमित समुच्चय आ जाता है। अपरिमित समुच्चय होता ऐसा समुच्चय, अपरिमित होता ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो, मतलब जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो आप बताइए क्या प्राकृतिक संख्याओं को आप काउंट कर सकते? नहीं, क्योंकि एक से कोई भी संख्या ले लो, उसमें एक जोड़ दो, उसपे अगली संख्या मिल जाएगी। तो इस प्रकार से प्राकृतिक जो संख्या होती है उसका समुच्चय अनिश्चित होता है, या ये कह सकते अपरिमित होता है, यानी सीमित नहीं होता है। इसके बाद हमारा आता है तुल्य समुच्चय। तो तुल्य समुच्चय ऐसे दो समुच्चय होते हैं, तुल्य समुच्चय और समान समुच्चय। ये दो समुच्चय ऐसे होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या क्या होती है? समान होती है, ठीक है। तो आइए पहले तुल्य समुच्चय देख लेते हैं। तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय यानी ए मान लीजिए दिया है एक्स वाई जेड और बी बराबर दिया है 1 2 3। अब देखिएगा भाई, ए के एक्स वाई जेड है, बी में क्या है? 1 2 3 है। तो इनमें ए के जितने अवयव कितने हैं? 3 अवयव है। बी में कितने हैं? 3 अवयव। तो अवयवों की संख्या अगर बराबर है तो उन्हें तुल्य समुच्चय कहेंगे। तो इसे लिख सकते हैं ए तुल्यता बी, यानी ए बी के क्या है? तुल्य है। अगर यहीं पे हम क्या कह दें, ए में भी 1 2 3 कर दें, मतलब अवयवों की संख्या भी समान हो। अवयवों की संख्या तो 3 है ही है, इसमें भी 3 है, और ये भी आपस में सब क्या है? बराबर है। तो इसे कहेंगे ए बराबर बी, मतलब ए और बी समान समुच्चय है। इसे क्या कहते हैं? समान समुच्चय कहते हैं। आइए बिल्कुल सवाल देख लेते हैं। इसी बेस पे आपके टोटल सवाल ओरल हो जाएंगे। मात्र जितने सवाल समझ लीजिएगा उससे 10 गुने कम टाइम में आपका सवाल हो जाएगा। तो चलिए देखें, सप्ताहों के दिनों का समुच्चय। तो सप्ताह के दिनों का समुच्चय जब लिखना है तो ए बराबर लिख सकते हैं सोमवार या रविवार से लिख लीजिएगा, ठीक है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार, सभी के नाम लिख डालो, आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद वर्ष के प्रथम 3 अंग्रेजी महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के जो प्रथम 3 अंग्रेजी महीनों का समुच्चय होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं? भाई अंग्रेजी का महीना क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो क्या है? जनवरी कामा फरवरी, फरवरी कामा मार्च। इसके बाद अगला सवाल दिया है, तीसरा सवाल, कह रहा अवयवों की संख्या बताइए, गिन लो 1 2 3 4 5। 5 अवयव होंगे, कितने अवयव? 5 अवयव होंगे। अब कह रहा है गुण विधि से लिखो कि भारत की प्रथम 5 प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपका चौथा सवाल है, लिखेंगे ए बराबर, क्या लिखेंगे? ए बराबर मंझले ब्रैकेट में एक्स सस्तक एक्स, आगे लिखेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों में से एक,
यही फेंकने के भारत के प्रथम पांच प्रधानमंत्रियों फिर मे से लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मे से एक, आपका पूरा सवाल कंप्लीट। अगला है समुच्चय के प्रकार बता रहा है, बिल्कुल आसान सवाल है, प्लस वन तथा माइनस, माइनस वन तथा प्लस वन के बीच धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय बताइए, प्लस और माइनस एक के बीच कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, कोई नहीं, मतलब ये रिक्त समुच्चय होगा। कैसा समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय, इसको ऐसे मंझले ब्रेकर से दर्शा दीजिए, काम हो जाएगा, फाइव से दर्शा दो, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर है वो फेक से 26 होते तो 26 रह गए, मतलब ये सीमित है या परिमित समुच्चय। P बराबर x सच दैट x x स्क्वायर बराबर 9 दिया, जब x स्क्वायर बराबर 9 दिया तो इसे सॉल्व कर लो, तो x स्क्वायर बराबर 9 दिया तो x बराबर अंडर रूट 9, तो वर्गमूल लेंगे कितना आएगा, प्लस माइनस 3, मतलब इसके सदस्य माइनस 3 और प्लस 3 मतलब 2 है, तो जब 2 है तो क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। इसके बाद ये x सच दैट x भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति एक ही होंगे, ये क्या है, एकल समुच्चय है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका समाप्त हो रहा है, अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे कल, इसी के साथ